गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम ऑनलाइन टीचिंग। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू पेपर कैरी बैग। ओके, थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है मेरे प्यारे बच्चों, हमें पेपर से कैरी बैग बनाना सीखना है, क्योंकि हमें प्लास्टिक कैरी बैग को अवॉइड करना है। हमें प्लास्टिक बैग यूज करना है क्या? नहीं, ताकि प्लास्टिक बैग के जो दुष्परिणाम होते हैं वो हमने सबको मालूम है, हमें सबको मालूम है। तो बहुत सारा नुकसान होता है, जैसे जैसे वीडियो चालू रहेगा वैसे मैं बताऊंगा उसके नुकसान क्या है। पहले उससे क्या क्या लगने वाला है वो हम देखेंगे। हमें लगने वाला है एक न्यूज़पेपर। क्या लगने वाला है? कौन सा भी एक न्यूज़पेपर लो, बड़ा वाला ऐसा। उसके बाद स्केल, उसके बाद फेविकॉल और दो थ्रेड। कैसे भी लो, बारीक लो, कैसे भी लो, लेकिन वो हमें यूज होने वाले। देखो हमें क्या करना है, पेपर बैग कैसे बनाना है वो आगे आप देख सकते हैं। ये देखो, पहले ये जो है ये आपको डबल पेपर करके लेना है। इसके लिए हमें फेविकॉल यूज होने वाला है। देखो इस तरह से आपको पेस्ट करना है पेपर। इस तरह से आपको क्या करना है, पेपर का पैक करने के लिए ग्लू लगा के सेकेंड पेपर उसमें पैक करना है। देखो इस तरह से हमने दो पेपर मिक्स किए। नेक्स्ट स्टेप ये जो है, यहाँ से आपको थोड़ा सा ऐसा बना लेने का है स्टिक करने के लिए। नेक्स्ट ये स्टिक हुआ हुआ पेपर हमें यहाँ पे ऐसा स्टिक करना है। थोड़ा ध्यान से देखोगे आएगा, एकदम इजी और सिंपल ही बैग वो भी हमें यूज करके आएगी। इस तरह से हम बना रहे हैं। ये देखो यहाँ से भी आपको ग्लू लगाना है और पैक करना है। दोनों तरफ से आपको ग्लू से पैक करना है। ये देखो हो गया। देखो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ से आपको थोड़ा सा माप लेके आपको यहाँ पे फोल्ड करना है। फोल्ड दिस पेपर। नेक्स्ट जैसे फोल्ड किया वैसे बाहर निकलते टाइम आपको ये सीधा ऐसा फोल्ड करना है। उसके बाद उसके सामने का भी वैसे ही फोल्ड करना है, सेम टू सेम। देखो नेक्स्ट फिर यहाँ से आपको यहाँ तक फोल्ड करना है। पहले ये भी किया, वो भी किया, कौन सा भी किया तो चलता है, कंफ्यूज होना नहीं है। ये देखो इधर तक फोल्ड करना है, उसके ऊपर सेम दिखना चाहिए, इधर का भी सेम दिखना चाहिए। इस तरह से हमें फोल्ड करके लेना है और इसको भी स्टिक करना है लाइक दिस। दोनों तरफ से आपको क्या करना है, ग्लू या फेविकॉल जो भी अवेलेबल हो जाएगा उससे आपको पैक करना है। नीचे से भी सेम करना है आपको और ये पार्ट यहाँ पे स्टिक हो जाएगा लाइक दिस। नेक्स्ट पार्ट
यहाँ पे आ जाएगा। इसके लिए आपको बड़ों की हेल्प लेना है। उसके बाद ये थोड़ा सा रह जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे आपको ऐसा ग्लू स्टिक करना है ताकि हमारी बैग पैक हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से हो गया। इस तरह से यहाँ पे हमने पैक किया। अभी नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ से आपको सिर्फ फोल्ड करके लेना है, स्टिक करना नहीं है। अभी हमारी पेपर बैग रेडी हो गई है। देखो अभी हमें सिर्फ देख कर उससे आपको क्लियर करना है। देखो आया समझ में? देखो ये निकल के लेना है और हमें चेक करके लेना है पेपर बैग अच्छी हुई या नहीं हुई। ये देखो इस तरह से आपकी पेपर बैग रेडी होने वाली है। देखो इस तरह से आपको जीरा फोड़ लगाए थे वो सेप में सेप देना है उसको पेपर बैग का। समझ में? ये देखो नीचे साइड से दिखेगी, साइड साइड से और अंदर से भी आपको देख लेना। ये होगी पेपर बैग रेडी। इसको आपको जो लगाना है पकड़ने के लिए, उसके लिए हमें डबल पेपर बना के लेने का, ऐसा अलग सा पेपर आपको स्टिक कर देना है का ताकि वो फटने नहीं चाहिए। ये केयर आपको खुद को करना है बच्चों। देख दोनों तरफ से आपको क्या करना है, ऐसी एक पट्टी एक्स्ट्रा पट्टी निकाल के पेपर की यहाँ पे आपको स्टिक कर देना है अंदर से। नेक्स्ट दिस साइड, तो समझ में? ये देखो ये दोनों तरफ से हमने हुक लगाने के लिए हमने ये बनाया है। हाँ हम पेपर बैग क्यों यूज कर रहे हैं, कैरी बैग क्यों बना रहे हैं बच्चों? ताकि यहाँ से होने वाले हमारे नुकसान, मैंने आपको बताया था, मैं बताऊंगा आपको। हाँ तो जो हमारे रिवर होती है, रिवर में क्या हो जाता है, बहुत सारा कचरा जमा हो जाता है। नेक्स्ट आपको पहले देख लो, यहाँ से हमें यहाँ से आपको यहाँ तक ऐसा लगाना है वो भी देखो, और जो हमारे दुष्परिणाम है वो भी हमें देखना है। कौन सा भी पेन हो कुछ भी हो हमारे पास अवेलेबल, उससे हमें क्या करना है, यहाँ पे होल बना के लेना है, टू होल्स। ओके वन और टू, सेंटर में आपको बराबर माप लेके आपको बनाना है। ये देख इस तरह से हमारे रिवर को क्या हो जाता है, रिवर में बहुत सारा कचरा जमा हो जाता है, इसके वास्ते हमें पेपर बैग यूज करना है आज से, और प्लास्टिक कैरी बैग क्या करना है, अवॉइड करना है, ताकि प्लास्टिक कैरी बैग क्या होती है, उसका विघटन होता नहीं। इसके लिए हमें ये पेपर बैग अभी यूज में लाना है। हम घर बैठे इससे भी अच्छा एक पेपर ले सकते जो ताकि खराब ना हो पाए, ज़्यादा दिन टिक पाए, ऐसे पेपर भी हम यूज कर सके, लेकिन वो कैरी बैग यूज करना है क्या? नहीं। प्लास्टिक यूज करना है क्या? नहीं। तो हमें ऐसे ही सिंपल पेपर की बैग हमें टिकने जैसे पेपर आपको लेना है जो ज़्यादा दिन तक टिक सके, ऐसा पेपर यूज करके हमें क्या करना है, बैग बना के लेना है। आया समझ में? देखो आगे मैं कैसा बनाता हूँ, और ये वेट भी अच्छे से उठाएगी। ये देखो यहाँ से हमें क्या करना है, इस तरह से पैक करना है हमें ताकि बाहर नहीं निकलना चाहिए। अंदर से आपको नॉट लगाना है उसको दोनों तरफ।
देखो बच्चों, इस तरह हमारे क्या होने वाली है, बैग रेडी होने वाली है। हम यहाँ पे कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। वैसा जो हमने बनाने के लिए जो मटेरियल बनाया था वो हम यहाँ पे बुक वगैरह, पेन पेंसिल, आपको जो भी चीज़ें वो हम बैग में डाल के कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। देखो आए समझ में, हमारा काम हो गया। हमने बैग में उठा के सब मटेरियल हम डाल के हम ये यूज कर सकते हैं एकदम अच्छी, और बैग हो गई तरह रेडी। आया समझ में?